हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे पीछे आप माहौल देख के, मौसम देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। एक्चुअली मैं अपने घर में, अभी जाएंगे हम, है ना। मैंने बोला था ना पिछले ब्लॉग में चल जाएगा, लेकिन पीछे फोग देख के ऐसे लगे जैसे हम हिल एरिया में घूम रहे हैं। जाने को मन नहीं करता, यहीं पर ऐसा मौसम हो रखा है फिलहाल। अभी रेडी शेडी हो गए कि उसने दांत लगाया मेरे को, और मैंने फिलहाल ना ट्राउज़र डाल लिया क्योंकि ना कंफर्टेबली जाओ ना वो बढ़िया। जीन वगैरह में जाना बैठना इतनी दूर मुश्किल होता है, और टफी भी मेरे साथ ऊपर है। टफी आप चलोगे मेरे साथ? चलोगे आप मेरे को बाइट क्यों कर रहे हो बार बार? चलो ठीक है भाई, अब नीचे बैठना मम्मी के पास, ठीक है? ऊपर ठंड है ना, तो ये मेरे साथ ऊपर आ गया। उदास हो रहा है, इसको पता चल रहा है मैं रेडी हो गया हूँ। इसकी खुशी का हाल पता क्या है, ये पूंछ लाएगा देखिए। मीन्स ये हैप्पी है हमारे साथ। बच 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 बच, बहुत मासूम है ये, शरारती है। उन्होंने इतने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा चारों तरफ। आज लोहड़ी है ना, तो आज मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे घर में ना मम्मी ने खिचड़ी बनाई है और साथ में दही, क्योंकि इस दिन ये खाते हैं हम पंजाब में। पता नहीं क्यों खाते हैं, क्या सोच के पूछेंगे मम्मी से बैठ के, तो फिर मैं भोग लगा दूँ। तो मैंने दो बैग पैक कर लिए, अभी वेट कर रहा हूँ उनकी, कब आएंगे कब हम जाएंगे। एक्साइटमेंट होती है ना स्नो देखने की। जाते हुए मंदिर में माथा टेक रही है। एक्चुअली मेरे को ना मामी जी और मामा जी को ना दूसरे वाले मंदिर में छोड़ के आना है। मम्मी भी बाद में चले जाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल घर पे है। जाने से पहले खाना खा लेते हैं, खाने में एक खिचड़ी, फिर चलेंगे हम। फिलहाल अभी हम निकल पड़े हैं, और चहल जाने की कंचन जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे मौसम चहल जैसा हो रखा है, क्योंकि फोग ही फोग है यहाँ पे। देखिए शादियों के लिए घोड़ी यहाँ से बुक करवाएं। तो फिलहाल हम ना कंडा घाट मार्केट में पहुँच चुके हैं। ये ब्रिज से पता चला जाता है ना। एक्चुअली थोड़ा सा सामान ले चलते, क्योंकि यहाँ पे हमारा होटल है ना विलेज में है, तो वहाँ पे मिलेगी ना मार्केट। मेकअप यहाँ पे हो रहा है आपका? मेरे को टाइम ही नहीं लगता घर पे। कैसे हो? हम चायल की मार्केट में पहुंच गए। तो ये छोटी सी मार्केट, सुंदर सी मार्केट यहाँ की, और पेट्रोल पंप भी है इतनी हाइट पे, है ना। हमने सोचा पेट्रोल पंप कहाँ होगा इतनी हाइट पे, और यहाँ पे आके तो हमारी आंखें खुल गई, क्योंकि मार्केट भी है छोटी सी। नहीं तो ऐसे मतलब कि इतना हिल एरिया था ना, और इतनी हाइट पे है, हमारा तो हेडेक हो रहा है, और बस बुरा हाल हो गया पहुँचते पहुँचते। पहुंच चुके हैं, लोहड़ी प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे आज। कंचन के बैंक का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। हम ना यहाँ चहल में पहुंच चुके हैं। क्या सोच के आए थे बट क्या नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली स्नो सोच के आए थे बट स्नो ही नहीं है यहाँ पे। अनवीर कंचन क्या कर रहे हो? मुझे अवार्ड वगैरह हैं। चलिए अच्छी बात। तो फिलहाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी हो चुकी है। वो क्या है कि यहाँ पे हम सोच रहे कि स्नोफॉल होगा, लेकिन स्नोफॉल हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं इसलिए शायद लगता है। लेकिन क्या कहते हैं कि सुबह तक हो भी सकता है। कह रहे हैं कि सुबह हुआ था, बिल्कुल ही मिनिमम हुआ था, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो कंचन अभी फिलहाल, हाँ सुबह बता रहे हैं, बट नहीं, बट कुफरी में कह रहे हैं कि अच्छा वाला हो चुका है, और रोड भी ब्लॉक हो चुका है। अगर कोई कुफरी को जा रहा है ना तो मत जाना, वहाँ पे रास्ता बंद है। लेकिन क्या शिमला से कुछ मतलब कि 10 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है बीच में, वो बंद हो रहा है। तो फिलहाल ये हमारा रूम, तो आपको दिखाते हैं, रूम टूर करवाते हैं। और फिलहाल ये वॉशरूम, और क्या हो रहा है जी? ठीक लग रहा है। सही है, कंचन तैयार हो रही है, मेरे से पूछ रही है ठीक लग रहा है, सही है। और ये रहा हमारा बेडरूम। तो हमने ये वाला रूम ना अपने लिए बुक करवाया हुआ था कंचन की तरफ से, तो कंपनी की तरफ से, मतलब कि कंचन को तो है ये बैंक की तरफ से। मुश्किल हो रहा है, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ आप लोगों के साथ ना, मतलब ऐसे बोलो ऐसे तो जाते हैं, लेकिन होटल में स्टे फर्स्ट टाइम किया है हमने। तो मैं स्किप करने वाली थी बट मुझे अलाउ नहीं किया गया, कि कहते हैं तुम्हें कोई जो भी अवार्ड है मिलेंगे। और साथ ही ना एक पार्टीशन हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे मतलब सोफा वगैरह लगे हुए बैठ सकते हो। तो पंकज जी यहाँ पे बैठे हुए कंचन की कलीग के साथ, मतलब ये भी कंचन के बैंक में जॉब करते हैं, और सेम एक विलेज से हैं, और अच्छा लगता है ना। और बाहर दिखाता हूँ आपको कैसा है, अपनी पर्सनल बातें करें। और ये मेरे भी फ्रेंड है, वो आपको बताऊँ टफी कहाँ से आया? टफी इनके घर से आया है, और ये है टफी के ओनर। और कैसे? बढ़िया बढ़िया, आपका टफी बहुत मस्त है। थैंक यू ना, ये कह रहे हैं कि आप ना बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। आप हमारी वीडियोस देखते होंगे, हम अच्छे से केयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? बहुत से आपने लिया है, उतना तो मैं लाइफ में लिया नहीं होगा। तो बहुत से सब्सक्राइबर पता है मुझे क्या बोल रहे हैं, कि जो आपसे लिया वापस दे दो वहाँ पे, कि आप अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हो। नहीं अच्छी है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। बताओ और बताओ, इससे ज्यादा और बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए, है ना। तो फिलहाल बाहर चलते हैं।
ये ना स्नो पड़ जाती है, बट यहाँ पे बिल्कुल स्नो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले लोहड़ी प्रोग्राम हुआ, हम नहीं गए, मैं और पंकज जी यहाँ रूम में बैठ रहे, कंचन और उसके साथ उसकी फ्रेंड्स है और भी, तो यहाँ पे फैमिली वाले आए हुए तो वो जाके हैं, हमने अच्छा नहीं लगा। और फिलहाल रात का व्यू चहल का कुछ इस तरह, बिल्कुल पीस है यहाँ पे, हल्का सा म्यूजिक चलाया हुआ है इधर, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके ना। और सुबह ना ये वाली प्रॉपर्टी में अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ना आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो। कंचन कब जाना है इवेंट पे? 7 बजे बस, सेम इसी होटल में इवेंट है, मतलब ऊपर हॉल है तो वहाँ पे जाएंगे। तो कंचन कह रही मेरे को ना वो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? अवार्ड मिलेगा, कोई नहीं। मैं कैसी हूँ कि तुम मेरा वो वाला मोमेंट कैप्चर करो? लोड़ी वाला तो हो गया अब, वहाँ पे जब मुझे अवार्ड मिलेगा मैं मम्मी को भी दिखाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, मेरे को हम चलेंगे ना इकट्ठे चलेंगे, बस रेडी हो रहे हैं, कंचन तो रेडी हो चुकी है, हम बस ये पहुंच जाएगी वहाँ पे, बीटी अटेंड करेगी। अच्छा किया यार ये लेके आए, नहीं नहीं बढ़िया है। कौन सी है ये? विटामिन सी की। कंचन की मदर इन लॉ का फोन आया, वो बता रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं काफी टाइम से, वो बोल और हमारी मम्मी का फोन नहीं आया खुद की का, वो पूछ ही नहीं रहे हमें, क्योंकि वो अपने वहाँ फंक्शन में मस्त है, वो रूम में बैठे हुए काफी टाइम हो गया, एक ना राउंड लगाते हैं बाहर की तरफ है ना, अकेले ही है ना, अच्छा लगता है ना थोड़ा सा, जब आप अलग प्रॉपर्टी में आते हो घूमने का एक अलग ही मजा आता है ना, वो भी अकेले इंडिपेंडेंट होकर। वो इतना पीस है ना यहाँ पे, मेरे पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे बोनफायर रहता है, हम आए थे थोड़ी देर पहले और बिल्कुल पीस। अगर आपको आना है ना यहाँ पे आओ ना, कोई शोर शराबा नहीं यहाँ पे, बस एक ही आवाज़ सुन रही है वो भी कुत्ते की, भोंक रहा है अभी। आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम कौन सी प्रॉपर्टी में ठहरे हुए हैं, हम ठहरे हुए हैं द जंगल लिव इन चाय। एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, अगर मम्मी भी होते ना तो अच्छा होता है ना, एक हमारा फैमिली गेट टुगेदर होता, तो फैमिली के साथ एक अच्छा सा विजिट होता। ये वाला रूम है, पहले मैं 303 में चला गया, हमारा रूम नंबर तो 203। मम्मी के साथ कॉल हो रही है, मम्मी ओ मम्मी ने शॉल लिया हुआ है, आप कहाँ बैठे हो? कुफरी में, इतनी ठंड में, इतनी ठंड तो इतने नहीं है कि जिन्हें तुम बना दे वे। ब्लोअर लगा हुआ है ना तब गर्म है, मम्मी चले गए। टफी कितने हैं? टफी अच्छा अच्छा, की कर रहे हो? बोल रहे हो पता चल गया, कॉल कर रहे हैं ना, टाइम हो चुका है 8:08 और मेरा ये एडिटिंग टेबल बना हुआ, मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ और पूरे रूम में मैं अकेला हूँ। एक्चुअली सब चले गए इवेंट पे, कंचन भी और पंकज जी जो भी और अनवित भी, और मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं अपना वीडियो डाल दूँ टाइमली, कि आप जाओ मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और मैं ऐसे ही निकल जाऊँगा वहाँ पे और खाना वगैरह वहीं पे खा लूँगा या फिर रूम में, वैसे तो हमने अपने रूम में अपना अलग से मंगवा के खा लिया था और वहाँ पे अलग था, तो हमने यहाँ पे अपने अलग से मतलब कि खा पी लिया और अभी सही है, अभी लगता है कि अगर थोड़ा सा कुछ खाना पीना होगा ठीक है, नहीं तो इवेंट को ज्वाइन करेंगे, या फिर मैं बोलता हूँ पंकज जीजू के साथ थोड़ा सा हम घूम के आते हैं, यहाँ पे एक चहल ग्राउंड है या फिर देखते हैं नियरेस्ट विलेज में कुछ खाने पीने के लिए लोकल फूड मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका अंकुश फूडी है और उसको लोकल फूड पसंद है। और बस ये सब था, और बस एक ही चीज़ की डिमांड है, क्या सोच के आया था मैं लेकिन क्या हुआ है ना, और सोचता था कि चलो स्नोफॉल के टाइम में आया हूँ पीक सीजन में तो स्नो हो जाए, बट क्या करें कि जब आपकी किस्मत में हो गई ना स्नो देखने, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। देखो स्नो तो मैंने बहुत बार देखी हुई है, जैसे रोड पे होती है जमी हुई होती है, लेह लद्दाख की तरफ गया तो बहुत बारी बारी स्नो थी, जितना मैं रहूँ इससे बड़ी बड़ी ग्लेशियर थे वहाँ पे है ना, तो लाइव स्नो देखना चाहता हूँ पीक सीजन में आया हूँ, जैसे रूई की तरह पड़ती है ना वो वाली मूवमेंट को मैं कैप्चर करके और अपनी आंखों से लाइव देखना चाहता हूँ लिव इन में आके, है ना, लिव इन मतलब होटल का नहीं है, तो अच्छा लगता है। तो फिलहाल क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या सोच के आए थे अभी क्या ही बोले, है ना, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हॉप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है, अभी जल्दी से मेरे को वीडियो एडिट करके पब्लिश करके जल्दी जल्दी ऊपर जाना है, 4th फ्लोर पे हमारा इवेंट चल रहा है तो सारे वहाँ पे मैं अकेला ही हूँ, पूरे होटल सारा होटल ना बुक है बैंक की तरफ से, एक प्राइवेट हमने लिया हुआ था अलग से, है ना फैमिली ना, या 2-4 फैमिलीज और है तो उन्होंने लिया हुआ जिनके बच्चे हैं वो भी आए हुए, सर बैंक की तरफ से रिजर्व था,
अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और अच्छे से कमेंट करना। और कुछ चाइल में कुछ है घूमने के लिए तो कमेंट कर देना ताकि हम जाते हुए विजिट कर लें। लेकिन क्या है कि कुफरी की तरफ से हमने सोचा इस तरफ से घूम के जाएंगे, बट क्या है कि रास्ता बंद है, हमें शिमला की तरफ से जाएंगे। चलो बहाने से शिमला भी हो जाएगा। लेकिन कहते कि पहले भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, क्या पता आपको ना जाना पड़े। किसका कॉल आ गया? कंचन का कॉल आ गया, मैं लेट हो गया, लगता है वीडियो बीच में छोड़ना पड़ेगा एडिट करते हुए। हेलो, हाँ कंचन, फिफ्थ फ्लोर पे है। चल कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाऊंगा। ओके ओके, कितने कितना टाइम लगना? कट कर दिया। चलिए फिलहाल इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट एंड टेक ए स्वीट ड्रीम। और ब्लैंकेट लेके सोना, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा, दो तीन ब्लैंकेट जरूर लेना। बाय बाय।